ये बैगल क्या है? कैसे ले जाएंगे आप? बांध बांध के ले जाऊंगा इसे। नॉर्मल है? नॉर्मल पावर है। अरे बोलते रहो नॉर्मल, तो कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पावर है, बोले तो दिख रहा है यार। फोटो खींची हम कैसे खींचेगा? हैं फोटो खींच गई? हां अब खींच दी। कब खींच दी? आंखों से खींच देते हैं। क्या दो दिन कैसे जाएंगे भाई? ओटीपी भैया वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज भाई 23 अप्रैल, भाई टाइम की बात किया था भाई, टाइम हो रहे 12:56 ऑलमोस्ट भाई 1 बजने वाले हैं। और भाई अभी जाके निकला हूँ मैं घर से, मतलब भाई कल यार मैंने काम यार कुछ किया ही नहीं था भाई। भाई वो एक राइड की थी, उसके बाद फिर यार मैं चला गया था दोस्त के पास कहीं, तो यार मैंने काम कुछ किया नहीं था कल। फिर सीधा शाम को फिर घर आया था मैं ना, काम मतलब काम मैंने कुछ किया नहीं था भाई कल कुछ भी। फिर भाई बाकी भाई आज बात करें अगर आज की यार, तो भाई मैं घर से ऑनलाइन कर लेता मैंने ओला और उबर दोनों। तो भाई ओला पे यार गलती से राइड आ गई भाई, वो पार्सल वाली यार मैंने गलती से मतलब पिक कर ली मतलब मैं तो पिक ही नहीं कर रहा था, मैं बस फ़ोन निकाल के देख रहा था मैं राइड आई है और वो पिक हो गई। मैं देखे तो पार्सल की राइड है यार ओला पे। अब यार पार्सल की राइड ने पिक तो कर ली है, फिर उसका पिकअप बढ़ा रहा हूँ भाई 2.6 किलोमीटर का, यही पोर्टर है क्या? अब चलिए देखते पहले पिकअप करते पार्सल को। आई थिंक यार ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं होगी यार, ये 60 रुपये के आसपास दिखा रहा था इसे पैसा ऐसे, तो 60 रुपये मतलब 6 किलोमीटर के आसपास होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन। अगर चलिए भाई पिकअप करते पहले पार्सल को, देखते भाई ओला के पार्सल में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है भाई। बाकी भाई पोर्टर वगैरह नहीं करने वाला मैं, पोर्टर वगैरह वैसे बाइक भी दूसरी लेके आऊँगा पापा वाली, तो वैसे भी नहीं करूँगा मैं। और वैसे भाई कुछ खास चल नहीं रहा भाई पोर्टर का, भाई मेरे साथ पंगा। बाकी चलिए भाई करते पहले पार्सल को। अपरे जी कैरी बैग है, खाने का सामान इसमें तो ऐसे ऐसे से कुछ होगा नहीं? नहीं नहीं हुआ ना, बस फिर ठीक है। 9881 ठीक है। सो दोस्तों भाई भाई पार्सल तो पिकअप कर लिया मैंने भाई, फूड का आइटम है यार भाई अपने को जाना है सुशांत लोक 1, चलते हैं यार। यार ड्रॉप लोकेशन थोड़ा दूर है भाई, 8.8 किलोमीटर दिखा रहा है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यार, जब मैंने पिक किया था ऑर्डर ये, तो भाई तब पैसे दिखा रहा था आई थिंक 60 रुपये के आसपास। अब यार 60 रुपये के आसपास, 60 रुपये में भाई 8.8 किलोमीटर तक कैसे भाई डिलीवर होगा भाई? ये तो भाई राइड से भी कम रेट दिख रहा था मुझे, हो सकता है शायद गलत हूँ, बट चले कोई नहीं, पहले डिलीवर करते हैं इसे फिर देखते हैं भाई क्या है, भाई क्या मिलते हैं इसमें। OTP बताना, OTP आया होगा ना आपके पास? अबे कितने मिले? 68 रुपीस, 8.5 किलोमीटर के भाई 68 रुपये मिले यार। यार ये तो भाई, यार ये तो भाई ओला का राइड से भी कम रेट है भाई पार्सल में। अबे हट जा यार, इतनी छोटी राइड आ रही है भाई, मज़ा नहीं आया यार। मुझे लग ही रहा था यार मतलब 60 रुपये के आसपास दिखा रहा था मुझे, 68 मिला है। चलिए देखते हैं भाई अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं अब। सो दोस्तों भाई 10-15 मिनट के वेट के बाद यार, मतलब भाई ऊबर में ना राइड आ रही थी ना कुछ, ओला में भाई छोटी मोटी राइड बज रही थी यार 20-30 रुपये की, मैं पिक नहीं कर रहा था। फिर भाई मैं सोचा चलो कोई नहीं यार रैपिडो भी ऑन ही कर लेते हैं। रैपिडो ऑन किया मैंने भाई, 500 की राइड बजी यार शंकर विहार की। भाई शंकर विहार मेरे ख्याल से आई थिंक किधर है, दौलतमा के पास आई थिंक लेफ्ट राइड कहीं तो है, एग्जैक्टली मुझे यार याद नहीं है। बाकी चलते बढ़िया यार, 18 किलोमीटर के आसपास राइड थी। बाकी पिकअप करते यार, पिकअप भी यार इसका लंबा है 2.5 किलोमीटर से, बट कोई बात नहीं यार चलेगा। पिकअप करते पहले पार्सल को। ये बैग लेना है? कैसे ले जाएंगे आप? बांध के ले जाऊंगा इसे। वो चेक कर लेता हूँ, आई थिंक उन्होंने बुक किया था, वो पेंट करेंगे शायद। हाँ वो मेरे बेटे ने बुक किया था। हाँ आराम से, हल्का सा तो एकदम, वेट तो कुछ भी नहीं इसमें। हाँ 228 पेमेंट है। तो ये कैसे वहाँ लेंगे ना? यहाँ पूछ लेता हूँ उनसे कॉल करके,
नहीं आप उससे जिससे भेजा है बेटे ने हाँ। तो फिर तो मैं यही से करता हूँ, मुझे लगा कि आपका सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो उसमें जैसे पहले पेमेंट दिखा दिया हाँ। तो मेनली पिकअप पॉइंट से लेना होता है हाँ। और जैसे इसमें अगर लास्ट में दिखाता तो मतलब ड्रॉप से लेना होता है हाँ हाँ। इसमें क्या दिखा रहा है 228 कैश कलेक्टेड पिकअप पिकअप ऐप पिकअप ना तो हाँ। जी पे करूँ ना हाँ जी से आधा पूरा घंटा लगेगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट पहले कॉल करके उनसे ओटीपी पूछ लेता हूँ, पिकअप में भी ओटीपी लगता है ना इसमें। ओटीपी शायद होगा मेरे पास इसमें। भैया पिकअप को ओटीपी देना 9467 है। हाँ हो गया पिकअप हो गया भैया इनके फ़ोन से हो गया। ठीक है भैया मिल गया मुझे पिकअप। हाँ हो गया हाँ हाँ मिल गया मुझे यहाँ पिकअप से मिल गया। ये आना है शंकर विहार के अंदर आना है ना ये। अच्छा ये उधर से आना को ना मुझे ये क्या बोलते हैं अच्छा आगे से यूटर्न लेके फिर अच्छा समझ गया हाँ समझ गया ठीक है ओके ठीक है सर Okay. आर्मी का कैंप वो है ना हाँ 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 तो गेट पर पूछेगा हाँ, तो वो बता देना पास में दीजिए हाँ, अगर नहीं कहेगा तो मेरे बेटे का नंबर हाँ उन्होंने बोला कॉल पे बात कराने के लिए। ठीक है जी ठीक ठीक है जी ओके वेलकम। तो दोस्तों भाई पार्सल तो पिकअप कर लिया यार मैंने भाई, अपने को जाना है शंकर विहार भाई आर्मी वाले एरिया में जाना है यार। बाकी चलते हैं यार 20 किलोमीटर दिखा रहा है तो 20 किलोमीटर है क्या हाँ 20 ही किलोमीटर है। चलते हैं बाकी इसे ड्रॉप करते हैं फटाक से, 35 मिनट लगने वाले हैं ड्रॉप करने में। एंड नॉर्मल है अरे बोलते रहो नॉर्मल तो कह रहे आ जाओ भैया हैं फोटो खींच गई हाँ कब खींच दी आंखों से खींच देते हैं। तो दोस्तों भाई लोकेशन में तो पहुंच चुका हूँ यार भाई, अब यहाँ पे एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी यार। कैमरा रख लेता हूँ मैं अंदर ही क्योंकि यार अंदर भाई कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता। ओटीपी भैया 2150 चले भैया दोस्तों भाई भैया को तो पिक कर लिया हमने भाई, अपने को जाना है आनंद पर्वत। चलते हैं यार 31 मिनट दिखा रहा है भाई 11 किलोमीटर छोटा रास्ता है क्या 10 किलोमीटर ऐसे चलते हैं। देखो यार टाइम ज़्यादा दिखा रहा है इसमें सेम ही तो टाइम दिखा रहा है इससे चलते हैं इसी चलते हैं छोड़ो 95 रुपीस। ठीक है भैया वेलकम। सो दोस्तों भाई भैया को तो ड्रॉप कर दिया हमने यार आनंद पर्वत में भाई, पूरी चढ़ाई चढ़ाई थी भाई अंदर, मतलब लग रहा था भाई पूरी पहाड़ों पर चढ़ रहा हूँ मैं। वैसे नाम भी इसका आनंद पर्वत ही है, पर्वत के ऊपर ही पूरा। बाकी अब यार पहले भाई कोई शिकंजी वाला कोई लस्सी वाला या गन्ने का जूस वाला तीनों से कोई एक मिल जाए पहले जाके पहले लपेटते हैं भाई ये थोड़ा ठंडा हो जाते हैं भाई। बहुत गर्मी लग रही थी शाम, तो गर्मी मतलब ज़्यादा नहीं लग रही बट हाँ बस मन कर रहा है पीने का। निकल जाएगी क्या? सो दोस्तों भाई आधा घंटा आई थिंक वेट कर लिया मैंने भाई भाई भंडारा था यार इन पे भाई, मैंने भंडारा वगैरह खा लिया मैंने तो भाई चलो भाई आज का लंच तो हो गया बढ़िया हमारा। और बाकी यार फिर आधे घंटे के वेट के बाद यार आई थिंक हाँ आधा घंटा शायद हो गया मेरे को 20 मिनट शायद, उसके बाद यार कोई ठीक ठाक राइड आई वरना तो बकवास राइड आ रही थी।
बाकी भाई अपने को जाना है रोहिणी, रोहिणी कौन सेक्टर था, सेक्टर भूल गया मैं, ध्यान से देखा नहीं मैंने। बाकी चलिए यार कोई नहीं, पिकअप करते कस्टमर को पहले। पिकअप भाई आई थिंक 300-400 मीटर से यार, दिखा घुमा के रहा इतना, ये रेलवे स्टेशन से ये सराय रोहिला से। कस्टमर कॉल भी आ गया, भाई जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी मैं हूँ। अब यार कस्टमर जल्दी में तो भाई जल्दी क्या करें, कोई नहीं कोशिश तो हम करते हैं जल्दी पहुँचने की। क्या दो जन कैसे जाएंगे भाई, दिल्ली है, गुड़गांव गांव थोड़ी कोई है यार। हमने एक किया था, आपकी वजह से लेट हो गया, आप लेट मेरी वजह से लेट हो गए, वो जो पहले वाले था ना तो उसकी वजह से लेट हो। मैं तो टाइम पे आया, टाइम जल्दी आया, तो दो अलाउ नहीं होते भाई, पता नहीं आपको। फिर चलो एक और कर देना, एक और कर दूँ इसमें आपको सिस्टम नहीं है, मेरे में थोड़ी होगा भाई। और दो दूसरा बंदा है उससे फोन करो, उसको फोन कर थोड़ा दो सेकंड, वो हमारा ओटीपी निकला। पहले बैठ तो जाओ यार पहले। आप दोनों जाना है, अब तो दो बाइक बुक कर लेते, दो ऑटो कर लेते, जाना है तो ऐसे ही कर ले यार, बाइक से राइड करने के लिए ठीक है। दो साल निकाले के लिए दिमाग खराब है, करें की बुला कर बंद बिन बुला दे दे नटे क्यों। अरे दादा वो का कोना कोना दे के वो भाई को निकलो, 15 रुपए मांगे, 15 रुपए की ताले बने समझ रहे हो बने वो। अरे अभी का खुद ही पास राइड ले सारा कौन है, राइट कहाँ से डायरेक्ट आएगा, तेरा आएगा केस डाल दे, बस बात खत्म, केस ले ले बीबी बिन के केस दे दियो, केस कौन लो डायरेक्ट करे। अरे ऐसे ले ले ये के वो हो ही नहीं, अपना लेट हो गया ना, एक मिनट अभी उड़ीकवा का तो जो बुला ना, तो बाद में ये सारा कर गाड़ी प्लेस पर आपको वीडियो बना रही है। यहां से गाड़ी संख्या 14 से पर टाइम खत्म नहीं होगा, नहीं टाइम कोई खत्म नहीं होगा, तो वेट कर लूंगा मैं तो, अब बुक कर लो ना फिर। आप रुक जाओगे हैं, मैं तो रुका ही हुआ हूँ। फाइव सिक्स डबल जीरो वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा। आप कैंसिल हो जाएगा आपका? नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगा, उसका कैसे हो गया, कैसे कैंसिल हो गया, वो तो करा उसने कैंसिल करा होगा, ऐसे थोड़ी कैंसिल होता है, महंगा होता है बहुत टाइम भी, कितने या तो मैं कैंसिल करूँगा या तो आप कैंसिल करोगे तभी होता है कैंसिल। सो दोस्तों भाई कस्टमर को तो पिक कर लिया हमने यार, भाई टाइम लग गया भाई इनको पिक करने में, मतलब मिल तो गए थे लेकिन यार इनके सारे दो बंदे थे भाई, ये पहले तो कह रहे भाई एक ही बाइक पे दो को ले चलो, एक्स्ट्रा पैसे ले लें, मैं कह नहीं भाई गाँव नहीं है यार, ये दिल्ली है भाई, यहाँ पर नहीं उठा सकते, आपको दूसरी बुक कर लो। तो फिर भाई कह रहे थोड़ा सा वेट कर लो, दूसरी बुक कर लेते हैं, मैं चलो कोई नहीं यार वेट कर लेते हैं भाई, बाहर से बंदे आए हुए हैं, थोड़ी बहुत भाई मदद कर लेते हैं, थोड़ा कोऑपरेट कर लेते हैं। तो बाकी भाई आई थिंक 5 मिनट की वेट के बाद भाई पिक कर लिया हमने, मतलब चलने को स्टार्ट हो गया हम। बाकी अपने को जाना भाई रोहिणी सेक्टर 17 था यार शायद से, उतना कौन सा था, चलते हैं। बाकी यार 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, 38 मिनट लगने वाले हैं, चलिए भाई ड्रॉप करते हैं जल्दी से, टाइम तो लगने वाला है बहुत इसमें। सो दोस्तों भाई लास्ट राइड भाई मैंने जो करी थी भाई रोहिणी में, उसके बाद भाई मतलब जब ड्रॉप लोकेशन में पहुंचा था भाई बारिश शुरू हो गई थी यार, और फिर यार मैंने भाई फटाक से कैमरा रख लिया था, तो यार वहाँ से मैंने डिलीवर तो कर दिया था पार्सल रोहिणी में, और उसके बाद फिर यार एक पार्सल की राइड ले गया था उस टाइम मतलब पार्सल की राइड आ गई थी मेरे पास न्यू मोती नगर शायद से। फिर यहाँ पर मैं आ गया और फिर यार बारिश और शुरू हो गई यहाँ पर, क्या बोल रहा था मैं, हाँ फिर बारिश फिर से शुरू हो गई, फिर से मैंने कैमरा रख दिया, रिकॉर्ड किया नहीं मैंने, फिर जस्ट अभी मतलब बारिश रुकी है तो दोबारा से राइड आई हमारे पास भाई, राइड बस पहले भी आई थी 5-10 मिनट पहले, तब बारिश हो रही थी मतलब जैसे ही मतलब, अच्छा वो कस्टमर है हमने हेलमेट पहन लो, ओटीपी 6926। सो दोस्तों भाई मैम को तो पिक कर लिया हमने, भाई अपने को जाना है बालसवा डेयरी स्वरूप नगर लिखा है सामने से ही है, अच्छा वो देख के लगा रहा हूँ जो बंदे है। हाँ सो भाई अपने जाना है बालसवा डेयरी स्वरूप नगर, भाई मुझे तो लगा था भाई ये पास में ही होगा, मतलब मुझे लगा शायद ये मुखर्जी नगर की साइड कहीं है स्वरूप नगर, वहाँ भी है ना एक, भाई ये तो पता नहीं कहाँ एकदम नॉर्थ में कहाँ किधर है भाई, ये मैप में तो भाई बहुत ही दूर दिखा रहा है एकदम,
रिंग रोड पार और करके सब पता नहीं किधर अलीपुर वाले रोड पे फंस जाऊंगा भाई, वहाँ तो जाके मुझे लग रहा है। चले कोई नहीं भाई, अब तो कस्टमर तो पिक ही कर रखा है, तब तो जाना ही पड़ेगा। पहले देखा नहीं मैंने, मतलब मुझे तो लगा यार शायद मुखर्जी नगर के पास जो है स्वरूप नगर मुखर्जी नगर अपना वो सब बना ना उधर कॉलेज वाले एरिया, मुझे लगा शायद उधर है ये, तो मैंने पिक कर लिया था। चलो कोई नहीं यार, 13 किलोमीटर डिस्टेंस है, 31 मिनट लगने वाले हैं, ड्रॉप करते हैं अमरेली से। बताता हूँ 113 रुपये। अरे 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 ये कहाँ है गोकुलपुर? चले क्या गोकुलपुर? 18 किलोमीटर गोकुलपुरी। हाँ हाँ उधर भजनपुरा की साइड है। हाँ ले ली मैंने तो वहाँ जाना। हाँ ठीक है जी, ओके। क्या लिखा ये? प्रेयर रिक्वेस्टेड द ट्रिप, प्रेयर रेटिंग इज 4.81, गेस्ट राइट डैडी। अच्छा किसी और के लिए बुक करिए मतलब ये कस्टमर ने। सो भाई मैम को तो ड्रॉप कर दिया वैसे यार, हमने हम आ चुके हैं भाई बालसवा डेरी स्वरूप नगर भाई। 13 किलोमीटर अपने मिले 107 रुपये। और नेक्स्ट राइड आ चुकी भाई हमारे पास, कहाँ की आ रखी यार, कहाँ जाना था मैं, गोकुलपुरी यार उधर जा तो रहा हूँ, उधर से वापस राइड मिल जाए बस। गोकुलपुरी इधर ही कहीं था। सो भाई मैम को तो ड्रॉप कर दिया वैसे यार, हमने हम आ चुके हैं भाई बालसवा डेरी स्वरूप नगर भाई। 13 किलोमीटर अपने मिले 107 रुपये। और नेक्स्ट राइड आ चुकी भाई हमारे पास, कहाँ की आ रखी यार, कहाँ जाना था मैं, गोकुलपुरी यार उधर जा तो रहा हूँ, उधर से वापस राइड मिल जाए बस। गोकुलपुरी इधर ही कहीं था। चलते यार कस्टमर पिक करने चलते हैं यार, 2.4 किलोमीटर से पिकअप है, 6 मिनट लगने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं यार, पिकअप थोड़ा लंबा है यहाँ मुझे यहाँ भाई राइड आ जाए भाई बड़ी बात है भाई आउटर एरिया में। सो दोस्तों भाई फाइनली यार मतलब समझ लो भाई 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया भाई इधर बालसों में भाई, जो लास्ट राइड में पिकअप करने आया था भाई उबर की भाई, वो कस्टमर भाई इतना गधा आदमी मैं क्या बोलूँ भाई। पहले पिकअप लोकेशन पहले बुलाया उसने मुझे, ठीक है, एक तो भाई 2.5 किलोमीटर का पहले पिकअप, 2.5-3 किलोमीटर का, फिर कह रहा है भाई कि वो लोकेशन आगे की ले नहीं रहा है तो थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब भाई बता 2.5 किलोमीटर लेने आया मैं इतना आउटर एरिया में, मैं सोचा चलो छोड़ो यार ले लेते हैं लंबी राइड है, अब भाई कैंसिल करने से अच्छा मैं ले लूँ। तो फिर यार मैंने सोचा चलो ठीक है, उसने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी, मैं चला गया लोकेशन पे। फिर भाई कह रहा है अंदर ना, मतलब जो फैक्ट्री एरिया था, तो कह रहा भाई अंदर ना एक बंदा होगा उसको बोलो भाई रेडी हो जा। अरे रेडी हो जा, अरे यार मतलब भाई इतना दूर से पिकअप करने आया हूँ, मतलब ये बताने आया हूँ क्या उसे मैं कि भाई रेडी हो जा मैं तेरे को लेने आया हूँ, बताओ भाई। उसके बाद फिर वो बंदा और तो भाई वो बंदा कह रहा है भाई मैं टाइम लगेगा, टाइम कितना कह रहा, 1/2 घंटा। मैं भाई ये देख लो भाई, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं यार क्या करें। चले कोई नहीं भाई, वो राइड भाई मैंने कैंसिल कर दी थी बाकी, और अभी जाके भाई पोर्टर पे ऑर्डर आ चुका है मेरे पास। अच्छा आप देखो अभी तेरे से राइड नहीं आती मेरे पास, तो ऊबर भी राइड बच गई, मैंने ऑफ लगा रखा था तो पोर्टर ऑन कर लिया था मैंने, यार फैक्ट्री एरिया ये तो शायद पोर्टर की राइड बच जाएगी। अब पोर्टर की राइड बच चुकी है, लेकिन भाई पोर्टर का पिकअप देखो, मतलब 6 किलोमीटर का पोर्टर का पिकअप है अपने जाना वैसे द्वारका सेक्टर 7 पे यार, मैंने चलो ठीक है उठा लिया मैंने, और पिकअप है शालीमार बाग से। चलो कोई नहीं यार, 6 किलोमीटर का पिकअप है, पिक करते पहले कस्टमर के पार्सल को। ओ पास तो भाई मेरा पोपट तो जा रहा है भाई लास्ट जो भाई पोर्टर वाली राइड थी भाई जो पिकअप करने जा रहा था मैं शालीमार बाग 6 किलोमीटर से भाई ऑलमोस्ट मतलब पहुंच गया था मैं, आई थिंक 1 किलोमीटर बच रहा था शायद से 1 किलोमीटर से भी कम भाई, तब जाके पोर्टर कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी वो भाई। मेरा हो गया दिमाग ख़राब मैं क्या भाई क्या हो रहा है आज मेरे साथ, 1 घंटा वहाँ वेस्ट किया मैंने, पिकअप करने तो दूर आया फिर भाई कैंसिल। मैं भाई पोर्टर को भाई मैं इतना बुरा बुरा बोल रहा था
और पोर्टर पर राइड ले ली और फिर भाई कैंसिल भाई ऑन ही क्यों कर लिया मैंने पोर्टर, फिर भाई शालीमार मार्ग से आई थिंक थोड़ा सा आगे चलते चलते रिंग रोड पे ही मैं पीतमपुरा के पास आ गया था। फिर भाई पीतमपुरा से आई थिंक मेरे को इस पर रैपिडो पर राइड आई है रमेश नगर की, मतलब पार्सल की राइड है और अपने हाँ बता दिया मैंने रमेश नगर जाना अपने को, चलते हैं बाकी 1 किलोमीटर से कस्टमर का पिकअप लोकेशन है पार्सल का, जल्दी से कस्टमर पार्सल पिक करते हैं यार। भाई टाइम पता की भाई टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं यार आज काम मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरा, बट कोई बात नहीं जैसे थोड़ा मोड़ा कवर करते करते भाई घर निकल लेंगे। सो दोस्तों भाई पार्सल तो यार पिकअप कर लिया मैंने। अरे यार ये रैपिडो में काफ़ी बड़ी दिक्कत रहती है यार, मतलब जब मैं फ़ोटो अपलोड कर डालता हूँ ना तो यार अपलोडिंग होती नहीं आ रही है, अपलोडिंग चलती रहती है घूमती रहती है, ना नेटवर्क का इशू रहता है ना कुछ और, फिर भी इसका सीम है देखो अब बताएगा कि अपलोड ही नहीं हुई है, बताओ कितनी बार फोटो किसी भेजूँ इसको मैं, अब जब तक ये OTP जाएगा नहीं मतलब जब तक ये अपलोड होगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं आगे। तो दोस्तों भाई पार्सल पिकअप कर लिया यार मैंने आई रैपिडो का, यार देख लो अभी तक भाई अपलोडिंग वाला सिस्टम हो रहा है भाई, इसको मैंने भाई क्लियर कैसे भी कर दिया ऐप को, मतलब समझ लो मैंने पूरा रिफ्रेश कर दिया सब कुछ वगैरह देख लिया, मतलब दोबारा से 3-4 मैंने वो कर दिया अपलोड कर दिया, ये अपलोडिंग प्रोसेस में लगा पड़ा है। अब भाई कितना वेट करूँ भाई इसको मैं होने से, तो मैंने भाई कस्टमर से OTP ले लिया और मैंने रमेश नगर का जो है लोकेशन लगा दिया, मैं क्या भाई रास्ते में जब होगा तब होगा वहीं जाके कर दूँगा, नहीं जाओ अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो भाई इसको राइट हैंड मार दूंगा हटा दूंगा और कस्टमर से ऐसे ही पैसे ले लूँगा ऑफलाइन, बाकी चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। डेस्टिनेशन तो वैसे 8.5 किलोमीटर दिखा रहा है नॉर्मल लगा रखा है रमेश नगर का, वहाँ तक अगर अपलोड नहीं हुए तो भाई कस्टमर से लोकेशन मंगा लूँगा, पर्सनल नंबर तो मैंने ले लिया उनका। चलिए बाकी ड्रॉप करते हैं इसे यार, टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम आई थिंक 1.5 घंटा लगेगा, देखो ज़रा 18 मिनट लगेंगे। ठीक है यार। अरे नहीं होगा यार, नहीं उस नंबर पे नहीं, स्कैनर भेज रहा आपको मैं, स्कैनर भेज रहा हूँ स्कैनर। सो दोस्तों भाई पार्सल तो डिलीवर कर दिया हमने यार न्यू मोती नहीं रमेश नगर था ये, और राइड आ गया हमारे पास, ये कहाँ है लक्ष्मी पार्क, कहाँ की है राइड ये, अरे नहीं यार इधर नहीं आना। अब भाई इसमें मिले हैं 8.5 किलोमीटर के 103 रुपये, चले बढ़िया भाई रैपिडो का पार्सल का रेट बढ़िया है भाई, एक नंबर, और ऊबर का भी, बाकी पोर्टर पार्टर तो बकवास है एकदम, पिकअप भी तो दूर लेने जाओ और ड्रॉप में कुछ खासा नहीं। बाकी अब भाई मैंने होम रूट लगाए रखा है फिर से ऊबर पर, देखते भाई को वेट है यार हमें कोई बढ़िया सी राइड का, टाइम क्या किया तो भाई टाइम हो रहे हैं 8:48, रैपिडो भी ऑन कर लो क्या, ऑन ही कर लेता हूँ लोकेशन लगा लो घर की। सो दोस्तों भाई 5 मिनट के अंदर ही यार हमारे पास भाई रैपिडो पे राइड आ चुकी है भाई, अपने को जाना है पालम भाई संतनगर, मैं क्या यार ले लेते भाई राइड, रेट थोड़ा कम मिलेगा बट कोई बात नहीं यार चल जाएगा भाई, भाई टाइम वेस्ट करने से अच्छा है खाली बैठने से अच्छा है थोड़ा कम रेट में काम कर लो, क्या करें भाई करना पड़ता है। बाकी यार चलते पिकअप करते कस्टमर को, 700 मीटर से पिकअप है। OTP भैया 7430। बैठ जाए भैया, चले तो दोस्तों भाई भैया को तो पिक कर लिया हमने यार, मुझे लग रहा था ज़्यादा लंबी राइड होगी ये, ज़्यादा नहीं है 9 किलोमीटर की राइड है, 25 मिनट लगने वाले हैं, चलिए कोई बात नहीं यार पालम तक पहुँच जाएंगे, पालम से देखेंगे भाई कोई राइड मिल जाएगी वहाँ से घर की तरफ की तो देखेंगे। मैं यार कल थोड़ा ट्राई करूँगा थोड़ा जल्दी निकलूँ यार, लेट निकल रहा हूँ वैसे डेली बोलता हूँ आपको मैं कि मैं कल डेली निकलूँगा लेकिन फिर भी निकल नहीं पाता, क्या करें यार हो जाता है यार, चले कोई नहीं यार कल थोड़ा और ट्राई करेंगे निकल जाए पक्का। यार वो भैया ओके हाँ जी व्लॉगिंग करता हूँ मैं, ये वाली रैपिडो वाली, हाँ रैपिडो वाली करता हूँ व्लॉगिंग में, वैसे भी करता हूँ मतलब वैसे मतलब नहीं करता मेनली, समझ लो मतलब डेली लाइफ जो भी चीज़ें करता हूँ मैं, मतलब
मेनली तो मतलब राइडिंग करते राइडिंग में टाइम निकलता है मेरा, तो इसी में मेरा कंटेंट निकल जाता है। क्या नाम है चैनल का? गोजो राइडर, GOJO राइडर, GOJO GOJO राइडर। हाँ जी RIDER। हाँ मेरे ही है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। चलो भाई, एक सब्सक्राइबर प्लस वन भाई, ऐसे मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसे मतलब रिएक्शन मिलते हैं तो। बाकी ठीक है यार, कितने ऐसे मिले, कितने में? 9 किलोमीटर के 68 रुपये। ठीक है यार, मजबूरी में ड्राइव उठा ली थी मैंने, मैंने उठाता नहीं मैं रैपिडो पे। बाकी कोई बात नहीं, लोकेशन लगा रखी मैंने घर की ऊबर पे। देखते हैं भाई, संतरागढ़ आ चुके मैं भाई, यहाँ से बिना रुके धीरे 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 पालम तक जाऊँगा एकदम 10 की स्पीड पे। रास्ते में कोई राइड आएगी तो ठीक है, नहीं तो सेक्टर 7 तक चला जाऊँगा और सीधा घर भाग जाऊँगा। बाकी चलिए, अब मिलते हैं आराम से नेक्स्ट साइड। सो दोस्तों भाई, मैं तो भाई आराम से जा रहा था भाई पालम की तरफ, द्वारका की तरफ जा रहा था भाई, सहन नगर में हूँ मैं वैसे। और भाई रैपिडो पे राइड आ गई भाई, सीधा गुड़गांव सेक्टर 15 की भाई, बहुत ही बढ़िया यार। अबे बाइक बंद हो गई मेरी भाई, बहुत ही बढ़िया यार भाई, पिकअप भी बस मतलब 70 मीटर से है भाई। चले भाई बढ़िया है भाई, लास्ट हट करेंगे ये कंप्लीट, उसके बाद सीधा घर भाग जाएंगे भाई। वैसे इस पर यार रेट काफ़ी कम मिलेगा मुझे, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं यार, क्या करें भाई, ये लोग खाली जाना अच्छा है ना, कोई राइड लेके जाएं। चले भैया, तो दोस्तों भाई भैया को तो पिक कर लिया हमने यार, भाई जहाँ मैं खड़ा था ना भाई वहीं पे खड़े थे भैया, मैं वहाँ से यूटर्न लेके आगे चला गया लोकेशन पिन की, फिर पता लगा कि भाई यहीं पे खड़े हैं। बाकी चले भाई, मिल तो गए भाई, अपने को जाना है गुड़गांव सेक्टर 15, 22 किलोमीटर डिस्टेंस है यार, 46 मिनट लगने वाले, 46 मिनट्स। चलते हैं भाई, जल्दी से ड्रॉप करते हैं इन्हें और भाई फिर इसके बाद चल जाएँ घर। वैसे देखिए 22 किलोमीटर है ना, तो इसमें तो कितने मिलेंगे मुझे, मेरे ख्याल से मुझे मिलेंगे इसमें आई थिंक 140 के आसपास से नीचे में कम से इसके 140 का मैक्स टू मैक्स 150 रुपये मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा मिलेंगे, 150 से ऊपर हो सकता है मिल जाए। चलिए बढ़िया भाई, ड्रॉप करते हैं फटाक से, फिर मिलते हैं आपसे। लिफ्ट भैया ये नहीं बोलो भैया, ओके भैया वेलकम। सो दोस्तों भाई, भैया को तो ड्रॉप कर दिया हमने यार, भाई शॉर्टकट ले लिया था मैंने यार, बिना मैप के आया था यार, मुझे पता था वैसे रास्ता यार। बाकी यार मैंने बोला था ना 130 140 150 के आस मिलेंगे, 140 मिले, 139 19.5 किलोमीटर के। ठीक है यार, जो भी है ठीक ठाक, ओके ओके एकदम ओके ओके रेट है यार इसका। अब भाई यहाँ से भाई ID को मारते हैं ऑफलाइन, टाइम की बात कीजिए भाई, टाइम हो रहा है 10:12 और घर पहुंच जाऊंगा मैं 10:00, समझ लो मैं 10:00 पहुंच जाऊंगा मैं, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट के अंदर, मतलब 10:25 तक पहुंच जाऊंगा मैं। मतलब यहाँ से मेरा घर यार कितना होगा, 5 किलोमीटर के आसपास होगा आई थिंक, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने शायद, 5 किलोमीटर और मेरे ख्याल से कम होगा, शायद 5 ही होगा, एक बार चेक कर लूँ मैं, मेरे अंदाज से 5 किलोमीटर होगा, देखो ज़रा 6 किलोमीटर। चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है ऊपर नीचे, 40 मिनट शो कर रही है, हम पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। चलिए अब मिलता हूँ मैं आपसे सीधा घर पे अब। सो दोस्तों भाई, लास्ट डेट कंप्लीट की थी यार मैंने भाई, सेक्टर 15 भाई गुड़गांव में भाई, और भाई उसके बाद भाई मैं घर आ गया था भाई खाली, आई थिंक 6 किलोमीटर के आसपास, 10:30 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गया था आई थिंक, 6:10:25 या मतलब 10:30 मान लो आप। सर बात कीजिए अर्निंग की भाई, तो 499 का भाई मैंने रैपिडो पे किया था, 381 का ऊबर पे और 147 का ओला पे। भाई बाइक चली थी मेरी भाई 150 किलोमीटर के आसपास, मतलब घर तक, मतलब 250 का पेट्रोल मान लो। खाने वाने में कुछ लगी नहीं थी नहीं यार, मेरे भंडारा था हो रहा था दोपहर में, तो मैंने भंडारा लपेट लिया था और बाकी फिर कुछ खाया भी नहीं मैंने फिर यार। मतलब मेन तो भाई काम की बात की जाए तो भाई काम तो यार पीछे थोड़ा फंस गया था भाई, थोड़ा पहले बारिश में रुक गया था और उसके बाद फिर भाई मैं आउटर एरिया में चला गया था गलत जगह समझ के, स्वरूप नगर पता नहीं कहाँ कहाँ ही पहुँच गया था भाई मैं,
फिर यार पोर्टर वाले ऑर्डर फंस गया, मतलब मेन जो है थोड़ा काम फंस गया था भाई शाम के टाइम। फिर भी यार जैसे तैसे काम वाम करके भाई घर आया मैं, और सुबह ये सबसे बचे भाई 770 रुपये भाई, 770 बचे हैं भाई ये 10 घंटे काम करके। 12:30 के आसपास निकला था मैं घर से और रात को घर आया 10:30, मतलब 10 घंटे हो गए, 10 घंटे में 770, मतलब ठीक है यार कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बट ठीक है, मतलब फर्स्ट पता था कि भी काम निकल गया जैसे तैसे। बाकी यार आप वीडियो कैसे लगी यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो दोस्तों के साथ, और यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से हमारे 20K कराओ यार। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल इससे भी और मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। We'll be right back.